वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ, आप ही की रिक्वेस्ट से करने वाली हूँ, और काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, मैम कुछ ऐसा वीडियो शेयर कर दीजिए जो हमारे घर में ही एकदम से हमें अवेलेबल हो जाए और हम कहीं जाएं तो एकदम से लगा लें। तो गाइज देखिएगा, आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो एलोवेरा जेल से आप डाई तैयार कर सकते हैं। इंस्टेंट ना अच्छा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, एकदम से आपके जो व्हाइट हेयर होंगे वो आपके जो है ब्लैक हो जाएंगे। हेयर की क्वालिटी पे इफेक्ट करता है कि आपके हेयर का कलर जो है कैसा आने वाला है। देखिएगा बहुत बार क्या होता है, 90% तक लोगों के बाल जो है बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं, तो आप दो बार वीक में जरूर से अप्लाई करें। ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा ही ये रिकमेंड करती हूँ कि आप जो भी रेमेडी इस्तेमाल करें तो वीक में दो बार कीजिएगा, ताकि अच्छे से डार्क कलर हमारे हेयर्स पे आ सके। और माइल्ड शैम्पू ही आपको इस्तेमाल करना है। काफी लोग पूछते हैं माइल्ड शैम्पू कौन सा होता है। देखिएगा जिसमें कास्टिक यानी कि हमारे हेयर को वॉश करने में जिसमें झाग कम आते हैं उन्हें माइल्ड शैम्पू कहते हैं। जैसे हो गए बेबी शैम्पू हो गए तो माइल्ड उन पे लिखा होता है, बच्चों की जो स्किन होती है हेयर होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं तो उनके लिए माइल्ड चीजें इस्तेमाल होती हैं। बस शैम्पू जो आपको पसंद हो या आयुर्वेदिक शैम्पू जो आपको पसंद हो जो सूट करता हो आपको वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कल भी जो है मुझे कमेंट मिले थे, मैम हमारे बाल जो है नेचुरल से ब्लैक हो गए, नेचुरल से अच्छे हो गए। सो थैंक यू सो मच, आप लोग फीडबैक मुझे शेयर करते हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गाइस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। लाइक आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो आप लोग हमें इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं और आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को जरूर से जरूर जो सोशल ऐप आप इस्तेमाल करते हो वहां जरूर से शेयर कर दिया करें। तो चलेगा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले जो हमें चाहिए होगी वो है कलौंजी पाउडर, और देखिएगा ये है कलौंजी यानी कि ऑनियन सीड्स, और ये मैंने ले लिया है, इसको मैंने जो है मिक्सर में डालकर पीस लिया है। हमें लेना होगा फर्स्ट इंग्रेडिएंट कलौंजी सीड्स या पिसा हुआ हमें कलौंजी पाउडर चाहिए। आप मार्केट का ले सकते हैं, होममेड ले सकते हैं, मैं तो होममेड पीस लेती हूँ क्योंकि होममेड जो होता है वो प्योर होता है। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे कलौंजी सीड्स पाउडर ऐड करूंगी। हमारे बालों को एक थिकनेस देता है, ब्राइटनेस देता है और हमारे बालों की लेंथ को अच्छा कर देता है। और सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ वो है आंवला पाउडर, और होममेड आंवला पाउडर ही मैं यहाँ ऐड करूंगी। आप भी जो है होममेड करिए ही तो ज्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा मैं यहाँ पे होममेड 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने आंवला पाउडर यहाँ पे डाल दिया। अब जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें डालना होगा वो है मेहंदी, और मेहंदी आप कोई सी ले सकते हैं। काफी लोग पूछते हैं मैम नेहा ले लें, शहनाज ले लें, या कोई सी जो आपका मन हो, किसी भी ब्रांड की, किसी भी अच्छे से ब्रांड की आप यहाँ पे मेहंदी आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको सूट करती हो। मैं नूपुर हिना लेती हूँ तो मैं यहाँ पे नूपुर हिना ऐड करूंगी, और जितना आपको पैक बनाना हो उस हिसाब से आप मेहंदी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून जो है मेहंदी ऐड करूंगी। तो देखिएगा 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे हिना डाल दे रही हूँ इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके से, और गैस का फ्लेम कर देती हूँ मैं ऑन, और सिम गैस पे ही हमें जो है रखकर इन्हें रोस्ट करना है जब तक ये ब्लैक नहीं हो जाते। देखिएगा फ्रेंड्स मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है ऑन, और इन सबको मैं रोस्ट करूंगी जब तक ये ब्लैक फॉर्म में नहीं आ जाते हैं। और अगर आप फुल गैस पे करते हैं इन्हें रोस्ट तो ये जल जाते हैं, फिर ये किसी काम के नहीं रह जाते हैं, आपके जो हेयर में है वर्क नहीं करते हैं। इस तरीके से आपको रोस्ट करते जाना है, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैंने 2 टेबल स्पून आंवला पाउडर लिया, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और मेहंदी की क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप पैक ज़्यादा बनाते हैं फुल हेयर की लेंथ की। काफ़ी लोगों के बाल जो हैं काफ़ी लंबे होते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम हम क्वांटिटी किस हिसाब से करें। तो देखिएगा फ्रेंड्स अगर आपके हेयर जो है लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले लीजिए। मैं जो है फ्रंट के हेयर में लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं अपने फ्रंट के हेयर के हिसाब से ही पैक बनाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स हल्का हल्का जो है धुआं उठना शुरू हो गया, और आपके में भी उठेगा ये धुआं, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं है कि मतलब ये धुआं क्यों उठ रहा है। जब हम कोई चीज़ रोस्ट करते हैं तो ऐसा तो ज़रूर से उठता है धुआं, आप हल्के हल्के रोस्ट करते जाइए जब तक ये हल्के ब्लैक टेक्सचर में नहीं आ जाते, यानी कि हल्का रोस्ट नहीं हो जाते। और अब मैं कर देती हूँ गैस का फ्लेम बंद। तो देखिए गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद, और आप देख सकते हैं ये जो है अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, यानी कि ब्लैक फॉर्म में आ गए हैं, और अब हम इन्हें किसी कांच के बॉयल में निकाल लेंगे। तो चलेगा अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं अपना। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने कांच का बॉयल ले लिया, और अब मैं इसे कांच के बॉयल में निकाल लूंगी।
तो फ्रेंड्स देखिएगा मेरा जो है इस तरीके का हो गया, मैंने ले लिया है इसमें, जितना आपको रखना हो आप ले सकते हैं। तो चलिएगा थोड़ा सा और कर लेती हूँ मैं इस तरीके से, और आप ये पाउडर को जो है इस तरीके से रोस्ट करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमने जो है एक बॉईल के अंदर इसे कर लिया है, जितना आपको बनाना हो, आपको अभी लगाना हो तो आप उतना निकाल लीजिएगा, और ध्यान रहे आप ठंडा करके ही निकालिएगा तो अच्छा है। मैं आप तो अभी आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए गर्म है, और ये आप सेव करके कंटेनर जार में ठंडा करके भर के भी रख सकते हैं। तो चलिएगा अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हमारा तो देखिएगा ये है मेहंदी का पाउडर जिसमें हमने इंग्रेडिएंट ऐड करे थे। अब जो हमें इसमें डालना होगा वो है इंडिको पाउडर। इंडिको पाउडर देखिएगा जब मेहंदी के साथ में मिलता है, जैसे कि मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, बहुत अच्छा वर्क करता है, हमारे बालों को काला बनाता है, नेचुरल से ब्लैक बनाता है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं इंडिको पाउडर इस तरीके से ऐड कर दूंगी। ये देखिएगा मैंने इंडिको पाउडर ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें कत्था पाउडर यानी कि ब्लैक कत्था जिसे कहते हैं या ब्राउन कत्था, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगी हेयर का जो कत्था होता है वो ब्लैक कत्था होता है, तो आप ब्लैक वाला ही कीजिएगा। ब्राउन वाला जो होता है हेयर में भी लग जाता है और पान में भी काम आता है वो, तो आप ब्राउन वाला ना लगा के ब्लैक वाला लगाएं। एक बार में इंस्टेंट ब्लैक कलर आता है, मैंने कल एक वीडियो शूट किया था उस पर और मैंने उसे लगाया, इतना अच्छा जो है मुझे रिजल्ट मिला ब्लैक कत्थे का, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। कल वाला वीडियो भी आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से ले लिया। अब जो है हमें इसमें डालना होगा एलोवेरा जेल। ये देखिएगा ये मैं यहाँ ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप चाहे तो फ्रेश वाला भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन लोगों के पास जो एकदम से टाइम नहीं होता है और एकदम आप जो है अर्जेंट में लगाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। आप ये वाला पतंजलि का जेल ले लीजिए और आपको इतना जेल डालना है कि ये हमारा जो है अच्छे से एक पेस्ट तैयार हो जाए। इस तरीके से हमें जेल ले लेना है और चलिएगा अब हम इसे करते हैं मिक्स। और आपको इसमें जो है वाटर नहीं डालना है, जेल से ही आप इसे मिक्स कीजिएगा अच्छे से। तो चलिएगा फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। और आपको जो है ज्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना, ना ही ज्यादा, आपको पता ही ये गाढ़ा है तो आप इसमें और जेल डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस तरीके से आपको जो है और एलोवेरा जेल डालकर इस तरीके बना देना है। और देखिएगा ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला है, आप जैसे लगाना पसंद करते हो। अगर आप ज्यादा गाढ़ा अगर इसे लगाते हैं यानी कि थिक से लगाते हैं तो ये जो है वर्क नहीं करेगा इतने अच्छे से, क्योंकि आपको जो है मीडियम रखना है, ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा हो, जैसे जेल रहता है उस तरीके से रखना। और आप देख सकते हैं शाइन कितनी ज्यादा आ रही है इसमें, और ये सब कमाल है एलोवेरा जेल का। इस तरीके से ये देखिएगा, आप फ्रेश वाला एलोवेरा जेल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखूंगी क्योंकि हमने इसमें इंडिको पाउडर ऐड किया है, तो इंडिको पाउडर को आप 10 से 15 मिनट इस तरीके से ही रखिएगा। और जब आपको लगाना हो 15 मिनट बाद आप इसे लगा सकते हैं अपने हेयर में, पूरे हेयर में आप इसे अप्लाई करिएगा। फिर देखिएगा जब ये पैड ड्राई हो जाता है तो आपको हेयर वॉश कर लेना है और सिंपल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है। नेक्स्ट डे आपको जो है ऑयलिंग करनी है, लगाने से पहले ऑयलिंग करनी है मॉर्निंग में आपको 2 से 3 घंटा पहले, या नाइट टाइम में भी आप कर सकते हैं। फिर आप शैम्पू का यूज कीजिएगा, फिर आप मुझे रिजल्ट जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको जो है वीक में अच्छे रिजल्ट के लिए 2 बार जरूर इसे अप्लाई करना है, फिर देखिएगा नेचुरल से आपके बाल जो है काले घने चमकदार भी बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल से इसको बनाया है, बहुत ज्यादा चमक आपके बालों में आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।